पिंजरे में बंद ये तेंदुआ कितना शांत नजर आ रहा है। इसकी आंखों से टपकती मासूमियत को देखकर हो सकता है आपको इससे हमदर्दी भी हो जाए और आपके मन में इसके प्रति अच्छे अच्छे विचार उमड़ने घुमड़ने लगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। फिर सोचिए कि इसी तेंदुए से आपका सामना तब हो जब इसके और आपके बीच में पिंजरे की दीवार ना हो, तब आपकी हालत क्या होगी। उस वक्त आपका दिमाग सुन्न हो जाएगा, आंखों तले अंधेरा छा जाएगा और पैर जमीन पर जम जाएंगे। कुछ ऐसी ही स्थिति का सामना महाराष्ट्र के नासिक शहर के सतपुर क्षेत्र के अशोक नगर इलाके के लोगों को करना पड़ा जब ये तेंदुआ दिन दहाड़े रिहायशी इलाके में आ घुसा। तेंदुए को देखकर इस इलाके में कोहराम मच गया, चारों तरफ से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। जाहिर है डर सबको लगता है, जान सबको प्यारी होती है। लोग अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए थे तो तेंदुआ भी स्थिति को अपने लिए खतरा समझकर इधर उधर दौड़ रहा था। ये तेंदुआ कभी इधर घुसता तो कभी उधर घुसता, लेकिन इस सबके बीच एक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। अशोक नगर के पास 2.5 साल का फीमेल बिप्टिया वहाँ पे देखा गया तो तुरंत ही हमने हमारा पूरा रेस्क्यू टीम वहाँ पे भेजा और जैसे ही वह जगह का मुआयना किया तो हमने वेटरनरी डॉक्टर की सहायता से हमने उसको बेहोशी का इंजेक्शन देने की सोचा। तेंदुए के डर से लोग या तो घरों में दुबके हुए थे या फिर छतों पर खड़े हुए थे ताकि तेंदुए से खुद को सुरक्षित किया जा सके। इस बीच लोगों ने वन विभाग को खबर दी और वन विभाग की टीम ने आनन फानन में मौके पर पहुंचकर तेंदुए को सुरक्षित पकड़ने का प्रयास शुरू किया। भारी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम तेंदुए को बेहोशी का इंजेक्शन लगाने में कामयाब रही और फिर तेंदुए को पकड़ लिया गया। अब इसको जंगल में छोड़ दिया जाएगा। उन्होंने डांट करके और आजू बाजू में नेट लगा के उसको रेस्क्यू करने का प्रयास किया। शुरू में उसको डांट बैठा तो वो भाग गया और पब्लिक के वजह से वहाँ पे इंजुरी हो सकती थी तो हमारे टीम ने बढ़िया फुर्ती दिखा के उसको अलग से डांट दे के उसको बेहोशी का इंजेक्शन दे के उनको हमने अभी हमारे कब्जे में लेके उसको अभी शाम में रेस्क्यू उसको रिलीज कर देंगे। तेंदुए के इस तरह रिहायशी इलाके में घुस आने से लोगों में डर और खौफ का माहौल जरूर है, लेकिन इसका सुखद अंत ये रहा कि ना तो किसी इंसान को नुकसान पहुंचा और ना ही तेंदुए की सुरक्षा पर कोई आंच आई।